أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صلوات بمحمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز برادران حسینی و ایمانی برادران اسلامی و انسانی مکتب حسینی میں مدرسہ اہل بیت میں دانشگاہ محمدی میں قرآن مجید کی روشنی میں فکر و سفر کا سلسلہ جاری ہے سورہ مبارکہ تین اپنے اختصار کے باوجود بے پناہ مطالب سمیٹے ہوئے ہیں یہ صفت فی الجملہ قرآن مجید کے تمام سوروں اور تمام آیتوں میں ہے لیکن جو مختصر سورے ہیں ان میں یہ صفت بطور خاص نمایاں تر ہو جاتی ہے با وصف اختصار و ایجاز زیادہ سے زیادہ موضوعات زیادہ سے زیادہ عناوین زیادہ سے زیادہ مضامین زیادہ سے زیادہ مطالب کا سمیٹ لینا قرآن مجید کی ہر آیت کی خصوصیت ہے مگر ایک طرف سورہ بقرہ ہے ایک طرف سورہ کوثر سورہ بقرہ چونکہ خود وہ سورہ بہت مفصل ہے اس لیے یہ صفت اتنی نمایاں نہیں ہو پاتی ہے ہے یہ صفت اس میں بھی ارے ایک الف لام میم میں کیا کیا پوشیدہ ہے کیا کیا پوشیدہ حروف مقطعات میں کیا کیا پوشیدہ ہے یہ صفت وہاں بھی ہے لیکن سورہ مبارکہ بقرہ کے مقابلے میں سورہ مبارکہ کوثر سورہ مبارکہ اخلاص
सूरह मुबारक है तीन, सूरह मुबारक है कादर। ये जो मुख्तसर सूरें हैं इनमें यह सिफत और भी नुमायां तर हो जाती है। उसलूब कुरान यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है मकाम इफ्तिखार में, मकाम तहदीस नेमत में, जो नेमत रब करीम ने अता फरमाई हैं उनको बयान फरमाया करते थे पैगंबर। पैगंबर को क्या क्या नेमतें अल्लाह ने दी उसको पैगंबर बअम्र इलाही बयान करते थे, इसलिए कि अम्र इलाही है। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, रब ने तुम्हारे रब ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं उसे बयान करो। पैगंबर कोई बात इसलिए नहीं बयान करते थे कि ज़ाती तौर पर वो अपना फ़ख्र बयान करें, अपनी किसी सिफत को नुमाया करें, बल्कि वहाँ भी कमाल लिल्लहियत ये थी कि इम्तिसाल अम्र के तौर पर। हम में से किसी को कोई सिफत हासिल होती है तो बहरहाल उस सिफत का इजहार इंसान करता है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। किसी की तबीयत मौजू है तो वो शायरी करके उसका इजहार करता है, फनकारी करके उसका इजहार करता है, कभी बयान करता है, कहता है कि साहब देखिए मेरी तबीयत बहुत मौजू है, आप मेरे सामने ना मौजू शेर ना पढ़ा करें। इंसान अपने सिफात का इजहार करता है, लेकिन बेशतर आम इंसान सिफात का इजहार करता है अपने इम्तियाज़ को ज़ाहिर करने के लिए, अपने इफ्तिखार को ज़ाहिर करने के लिए, उससे उसकी अनानियत की तस्कीन होती है। उसकी अनानियत की तस्कीन होती है क्योंकि उसकी शख्सियत की नुमाइश होती है। नबी या मासूम कभी भी अपनी किसी सिफत का इजहार इस नुक्ते नज़र से भी नहीं करता कि उसकी ज़ाती अनानियत की तस्कीन हो। नबी या मासूम जिस वक्त किसी नेमत रब का बयान करता है वो भी अपनी अब्दियत की तस्कीन के लिए, न कि अनानियत की तस्कीन। कुजा इनो कुजा अन, ये कहाँ और वो कहाँ। देखिए बशरियत और सीरत मासूम जहन में उन्वान है ना। आम बशरियत का तकाजा क्या है, जो सिफात होते हैं उनको इंसान बयान करता है और दूसरे से दाद लेता है, दूसरे पे अपना इम्तियाज़ कायम करता है। मासूम जब किसी सिफत का बयान करता है मकाम शुक्र में बयान करता है। यहाँ अनानियत की तस्कीन होती है, वहाँ अब्दियत की तस्कीन होती है, वहाँ बंदगी के आदाब बजा लाता है। मेरे रब ने मुझे यह इनायत की है नेमत, मेरे रब ने कहा भी है कि मेरी दी हुई नेमत का बयान करो, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। तवज्जो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने फरमाया है कि उती तो जवाम अल कलिम, मुझे जवाम कलिम अता किए गए। जवाम कलिम, जवाम कलिम, इससे मुराद कुरान मजीद भी है और इससे मुराद हुजूर को का अपना उसलूब बयान भी है कि हुजूर को ये उसलूब अता किया गया है। कि अब ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मुकर्रर अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्फाज के कूज़ों में मानी का कौसर समो देने का हुनर दिया गया है। मानी का कौसर समो देना ये हुजूर का उसलूब खिताब है जो खुदा दाद है। ये सिफत कुरान में भी मौजूद है, अलबत्ता ये सिफत छोटे सूरों में ज़्यादा नुमाया है। ये सूरह तीन
قسمیں کھائیں پروردگار نے، قسموں کا ذکر کیا، چار قسمیں۔ اب اگر صرف یہ چار قسموں میں سے ایک ہی قسم پہ گفتگو جاری رہے تو تین دن گزر جائیں گے، مگر اجمالاً گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ چار قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس بلد امین کہ ہم نے انسان کو بہترین اٹھان کے ساتھ خلق کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد ہم نے انسان کو گراوٹ کی آخری حد تک دھکیل دیا۔ یہ کیا پیغام ہے اس میں؟ کیا پیغام ہے اس میں؟ کیا پیغام ہے؟ ہم نے انسان کو بہترین اٹھان کے ساتھ خلق کیا اور پھر ہم نے اس کو گراوٹ کی آخری حد تک دھکیل دیا۔ اس کے بعد ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لا کر عمل صالح بجا لائے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کی جزا مسلسل و مستمر ہے، ان کی جزا غیر منقطع ہے، ان کا اجر غیر منقطع ہے۔ یہیں تک اگر سورہ رک جاتا تو یہ شبہ ہوتا کہ موضوع انسان ہے، تب بھی شبہ ہوتا، حالانکہ موضوع انسان نہیں ہے۔ انسان کو بتایا جا رہا ہے، موضوع یہاں بھی توحید ہے، اس لیے کہ آگے کیا ہے، فما یکذبک بعد بالدین، اب کون سی چیز ہے جو تمہیں انکار طاعت خدا یا انکار روز جزا پر مائل کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ کس بنا پر تم طاعت خدا سے منکر ہوتے ہو؟ کس بنا پر تم روز جزا کے منکر ہوتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حکم کرنے والوں سے بہتر، برتر، بڑھ کر حکم کرنے والا نہیں ہے؟ دیکھیے یہاں پر ترجمے اور ترجمانی، تفسیر اور تاویل کے مراتب ہیں، مراحل ہیں۔ اگر سوال یہ کیا جائے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی، اس سورہ کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں مدنی ہے، اگرچہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ مکی ہے، مگر یہ بھی قول ہے کہ مدنی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اگر مکی ہے تو براہ راست خطاب کافروں سے ہے، ان کافروں سے جو لا الہ الا اللہ کے منکر ہیں، اور اگر مدنی ہے تو براہ راست خطاب ان سے تسلیم کرنا پڑے گا جو نقاب اسلام میں کفر کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کے دلائل ہیں میرے پاس۔ ترجمہ کرتے وقت ایک ہی فقرہ ہوتا ہے، کس نے کہا، کب کہا، کس سے کہا، یہ تینوں چیزیں سامنے ہوں تو ترجمے کا تعین ہوتا ہے۔
مخاطب بدل جائے تو ترجمہ بدل جاتا ہے، متکلم بدل جائے تو ترجمہ بدل جاتا ہے، زمان و مکان تبدیل ہو جائے تو ترجمہ بدل جاتا ہے۔ ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے، ترجمے کا ہنر بہت مشکل ہے۔ عام جو ترجمے ہوتے ہیں اس میں بھی بڑی دشواریاں ہیں، اگرچہ آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، لیکن حرمت لوح و قلم بہت زیادہ ہے، حرمت لفظ بہت زیادہ ہے، ناموس لفظ، ناموس حرف بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے تو اور بھی زیادہ، قرآن مجید اگر، میں نے کیوں عرض کیا کہ اگر کافروں سے خطاب ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہتے، تو یہ آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس پر بہت غور کرنا پڑے گا کہ یہ بانداز سوال کیوں ہے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے اس سے اس طرح خطاب کیسے ممکن ہے کہ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ توجہ ہے، کتنی نازک و ظریف بات ہے۔ جو شخص اللہ کا منکر ہے اس سے یہ خطاب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فرض کیجئے کہ کوئی شخص ہو جو کئی خداؤں کا قائل ہو اور اللہ کا بھی قائل ہو، اس سے پوچھا جائے اور وہ اللہ کی بڑائی کا بھی قائل ہو، تب تو یہ کہا جا سکتا ہے کیا اللہ سب سے بڑا نہیں ہے۔ لیکن یہاں اگر فرض کیا جائے کہ کافروں سے خطاب ہے، مشرکوں سے خطاب ہے، کافروں سے خطاب ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہی جنگ فرما رہے ہیں، جہاد فرما رہے ہیں، انہیں دعوت ہی دے رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف، پھر ان سے کس طرح خطاب ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑھ کر بہتر برتر حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یہ کیا اللہ نہیں ہے، یہ خطاب تو اس سے ہوگا نا جو معترف ہو، یہ اسلوب خطاب کیا ہے۔ اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ حضرات کے اذان عالیہ میں عشرہ اولیٰ کی تقریریں ہوں کہ اللہ کے وجود پر کافروں اور مشرکوں کو بحث نہیں تھی، اس کائنات کے خالق کے طور پر اللہ کو تسلیم کرتے تھے، اس نظام کائنات کے مدبر کے طور پر تسلیم کرتے تھے، بندگی میں مسئلہ تھا، اطاعت میں مسئلہ تھا۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے لیے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود برحق کے، معبود بندگی، سر نہ جھکے کسی کے آگے، کسی اور کی غیر از خدا کسی اور کی اطاعت نہ کرے انسان بشمول نفس۔ کسی اور کی اطاعت نہ کرے، یعنی بتوں کی اطاعت نہ کرے، درختوں کی اطاعت نہ کرے، حیوانوں کی اطاعت نہ کرے، ستاروں کی اطاعت نہ کرے، سیاروں کی اطاعت نہ کرے، زمین کی اطاعت نہ کرے، پرستش نہ کرے، پوجا نہ کرے، اور اگر سب کو چھوڑ کر خود اپنے نفس کی پرستش کرے۔ توجہ ہے، تو سب سے بڑا بت تو نفس ہو جائے گا، سب سے بڑا بت خود انسان کا نفس ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہوائے نفس کو بھی، خواہشات نفسانی کو بھی بتوں کی صف میں رکھا ہے،
जो लोग ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करते हैं वो भी गोया के बुत परस्त हैं, वो भी गोया के मुशरिक हैं। यानी जब इंसान कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो इसके मानी है कि ना मैं, ना मेरा नफ्स, ना मेरी ख्वाहिश, ना मेरी आरजू, ना मेरी तमन्ना और न कायनात में कोई और किसी की हस्ती नहीं है, कोई लायक इताअत नहीं है, कोई लायक बंदगी नहीं है, कोई लायक परस्तिश नहीं है, कोई लायक रुकू और सुजूद नहीं है सिवाय उस माबूद बरहक के जो फिल वाक़े माबूद है। तो अल्लाह का तसव्वुर फितरत में मौजूद है, चूंकि फितरत में मौजूद है इसलिए खिताब इस अंदाज से, अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे बड़ा हुक्म करने वाला नहीं है। ये कुरान के साथ साथ अगर चलें उसलूब कुरान किताब फितरत के औराक पलटने पे मजबूर कर देता है। मसलन एक मिसाल दे दूं, किसी के साथ जुल्म हुआ हो, बहुत होंगे इस मजमे में, वैसे तो हम सब मजलूमीन हैं, किसी के साथ कोई जुज़ई क़ज़िया ले लीजिए, किसी की ज़मीन जायदाद का मसला हो, कोई मुआमला हो, माली लेन देन का मुआमला हो, और वो किसी एक को सालिस बनाए, वो सालिस गलत फ़ैसला कर दे, जो वाकयान मुहक है, जो हकदार है, उसके साथ सितम हो, जुल्म हो, वो मुतमईन हो जाएगा? मुतमईन नहीं होगा, दिल में खलिश रहेगी, वो किसी और का दरवाज़ा खटखटाएगा, कहेगा ये सालिस ने गलत फ़ैसला किया, अब बाकायदा जो अदालत है उसमें चलते हैं, ठीक है। अब वो सबसे पहले केस जाएगा लोअर कोर्ट में, फ़र्ज़ कीजिए लोअर कोर्ट में भी उसे शिकस्त हो जाए, अगर वो वाकई हकदार है तो मुतमईन हो जाएगा? नहीं होगा। अब वो जाएगा हाई कोर्ट में, वहाँ भी शिकस्त हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आपकी दुनियावी सुप्रीम कोर्ट में भी उसे शिकस्त हो जाए, अब भी मुतमईन हो जाएगा? नहीं होगा। अब भी उसके दिल में ये एक बात रासिख रहेगी कि अब भी कोई है जो मुझे मेरा हक दिलवा सकता है। कहाँ हैं हमें काफिर कहने वाले? देखें ये बयान तौहीद पर दाद दे रहे हैं, ये बयान तौहीद पर दाद दे रहे हैं। ये दिल की आवाज़, ये ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स मुसलमान हो, मुसलमान हो, मोमिन हो, गैर मोमिन हो, गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, बुत परस्त हो, यहूदी हो, कोई भी हो, हर इंसान अपने मुल्क की बड़ी से बड़ी अदालत से भी, दुनियावी अदालत से मायूस होने के बाद भी दिल में ये यकीन रखता है, गुमान नहीं, यकीन रखता है कि अब भी कोई ताकत है जो मुझे मेरा हक दिलवा सकती है। कुरान जज़ाकुमुल्लाह, कुरान मजीद इंसान की उस कुन्ह फितरत को बरंगेख्ता करता है। क्यों कहा गया कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करोगे तो कुन्ह फितरत बशरी बरंगेख्ता हो जाएगी, फितरत डिस्कवर होगी। ये किससे खिताब है? मुसलमान से तो नहीं है ना, नमाजी से तो नहीं है, रोज़ेदार से नहीं है, हाजी से नहीं है, मोमिन से नहीं है, ये आम खिताब है। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन,
क्या अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करने वाला नहीं है? क्या क्या अल्लाह बयान नहीं है कि देखो सुनो यकीन रखो कि अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है? नहीं, वादा नहीं किया जा रहा है, दावा नहीं किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। अब अगर सवाल से पहले जो जुमला है फमा युकज्जिबु का बादो बिद्दीन, जब तुम्हारी फितरत में मौजूद है ये यकीन के कोई है जो हमारा हक हमें वापस दिला सकता है, तो फिर उसकी इताअत से कौन सी चीज रोकती है? उसकी बंदगी से कौन सी चीज रोकती है? तुम्हें यकीन यह है कि वो तुम्हें हक दिलाएगा? तुम्हें यकीन है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये पंचों का फैसला और वो सालिसों का फैसला, ये सब भी अगर तुम्हारे खिलाफ है तो कोई है? ये यकीन है कि कोई है ना? अपने इस यकीन को पामाल क्यों करते हो? ये किताब फितरत इंसानी की क़रात पे मजबूर करता है कुरान, और पहले जो बयान है उसमें भी हिकमतें, उसमें भी हिकमतें। ये जो कहा गया लक़द खलकनल इंसान फ़ी अहसन तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन उठान के साथ पैदा किया, सुम रदद ना हो, फिर हमने ढकेल दिया, गिरा दिया, गिरावट की आखिरी इंतहा तक। आम मुफसरीन क्या समझे, आम मुतरजमीन क्या समझे? कुछ लोग समझे कि ये अहसन तख्लीक से मुराद तो ये साख्त है, यानी हमने बेहतरीन जिस्म जान के साथ पैदा किया और उसके बाद हमने बुढ़ापे की तरफ ढकेल दिया। अच्छा, आगे जो है इल्लल्लज़ीना आमनू, क्या मोमिन बूढ़े नहीं होते? अब बताइए ये क्या कुरान समझे? जिन्होंने असफल साफिलीन के मानी ये समझे कि ये बुढ़ापे का तस्करा है, हमने जवान पैदा किया, जवान तो कोई पैदा ही नहीं होता, बच्चे पैदा होते हैं, और हाँ मुतदिल पैदा किया हमने, तमाम अज्जाए वजूद, तमाम अनासर वजूद मुतवाजिन व मुतदिल थे, बेहतरीन साख के साथ पैदा किया, ठीक है, लेकिन इस साख से मुराद क्या है, इस उठान से मुराद क्या है? और फिर असफल साफिलीन से ये मुराद कि हमने बुढ़ापे की तरफ, यानी सिर्फ मुशरिक और बदामाल बूढ़े होते हैं, मोमिन बूढ़े नहीं होते, अच्छे आमाल करने वाले बूढ़े नहीं होते। अगर अच्छे आमाल करने वाले बूढ़े नहीं होते, मोमिन बूढ़े नहीं होते, तो फिर तारीख़ में कितने बूढ़े हैं जिनके ईमान का और अमल साले का तज़किरा किया जाता है? ये भी कहा जाता है कि ईमान लाए थे, मोमिन थे, अमल साले करते थे, और बुढ़ापे का भी वास्ता दिया जाता है कि बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे। कहीं और ना जाइए, करबला तक आइए, मुस्लिम इब्ने औस से जाओ, बूढ़े थे या नहीं? हबीब इब्ने मज़ाहिर, बूढ़े थे या नहीं? सहाबी रसूल अनस इब्ने हारिस, बूढ़े थे या नहीं? कभी कभी मैं मजलिस पढ़ता हूँ अपने अंदाज से, यानी मैं पाबंद नहीं होता कि मसाए पहले पढ़ूँ या बाद में, जो तसलसुले बयान में बात आ जाती है वो कहता चला जाता हूँ। आप अपने अंदाज से सुनने के आदी हैं, अपने अंदाज से दूसरों को सुनिएगा, मुझे सुनना है तो मेरे अंदाज से सुनिए। अब जो जुमले कह रहा हूँ आप पर गिरिया तारी होगा, मगर जब्त कीजिएगा। करबला में कैसे कैसे बूढ़े गुजरे हैं, ये जनाब अनस इब्ने हारिस का जो नाम लिया मैंने, मालूम है ये कितने बूढ़े थे? रसूल के सहाबी हैं और रसूल से इन्होंने हदीस रिवायत की है। हदीस ये है, रसूल से हदीस रिवायत की है, तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने भी ये हदीस नकल की है कि रसूल से, रसूल के सहाबी ने सुना कि मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा।
जिस वक्त दुश्मनों के नरगे में हो, जो उस वक्त ज़िंदा हो उस पर वाजिब है कि उसकी मदद करे, नुसरत करे। ये मज़मून हदीस मैंने आपसे गुजारिश किया। जनाब अनस इस हदीस के खुद रावी हैं, चुनांचे वो करबला में आए, और जब करबला में आए तो उम्र और जिस्म की हालत क्या थी मालूम है? इस मजमे में जितने बूढ़े हैं वो सुने गौर से और देखें कि कितना ही आप पर बुढ़ापा हो, कितना ही ज़ौफ़ हो, कितनी ही कमज़ोरी हो, मगर जोश ईमान क्या होना चाहिए नुसरत मौला के लिए, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए क्या जज्बा होना चाहिए। इमाम के पास आए रुख्सत तलब करने के लिए और अपनी उनकी भवें आँखों पे लटकी हुई थी, भवें आँखों पे लटकी हुई यानी नज़र नहीं आता था, भवों को ऊपर उठाकर रूमाल से कस के बांधा ताकि आँखें खुल जाएं, कमर झुकी हुई थी, नैजा पुश से लगाकर कमर और सीने को नैजे से बांधा, उसके बाद हाथ में तलवार ली और कहा फर्जंद रसूल इजाज़त है, हुसैन हुसैन इस सहाबी के अज़्म व जज़्म को देखकर रोने लगे। यह है करबला, अपने नाना के इस सहाबी के इस जज्बे को, इस आमादगी को, इस तैयारी को देखकर हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। तो बुढ़ापा तो सब पे आता है मगर बुढ़ापा ईमान के तकाजों की राह में रुकावट नहीं बनता। करबला पढ़ना क्यों ज़रूरी है? करबला सुनना क्यों ज़रूरी है? बुढ़ापा आता है, यहाँ असफल साफिलीन से मुराद बुढ़ापा हरगिज़ नहीं है। मज़मून आयत यह है, अब खुलासा अर्ज़ कर दूँ, इख्तिलाफ़ अक़वाल नकल करता रहूँगा तो बयान बहुत तूलानी हो जाएगा। परवरदिगार ऐलान फरमा रहा है कि हमने तुम्हें इंतहाई तवाज़ुन के साथ खल्क़ किया, बेहतरीन उठान के साथ खल्क़ किया। बीच में बहुत बड़ी इबारत महजूफ है, एक सुम्मा के अंदर छुपी हुई है। हमने तुम्हें बेहतरीन जिस्म दिया, बेहतरीन जहन दिया, बेहतरीन रूह दी, बेहतरीन नफ्स दिया, बेहतरीन कुव्वतें दी, बेहतरीन सलाहियतें दी, बेहतरीन हवास दिए, हवास खमसे ज़ाहिरिया अता किए, हवास खमसे बातनिया अता किए, हमने अक्ल दी तुम्हें, इन तमाम ज़ाहरी बातनी क़ुव्वतों से आरास्ता करके हमने भेजा। अब अगर तुम इन क़ुव्वतों से काम लेकर, इन वसाइल से काम लेकर, इन अनासिर वजूदिया से काम लेकर तुम हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते रहोगे तो जिस अहसन तकवीम पर हमने खल्क किया है इससे तुम हमेशा बुलंद से बुलंदतर होते चले जाओगे, बुलंद से बुलंदतर होते चले जाओगे। क्यों? फलहुम अजरुन गैर ममनून, उनके लिए अजर गैर ममनून है, गैर ममनून यानी गैर मुनक़ते, जिसका सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। जब सिलसिला ख़त्म नहीं होगा यानी सफ़र इर्तिका मुसलसल जारी रहेगा, यानी ये मुतनाही ला मुतनाही हो जाएगा। बहुत दकीक मंजिल पे चली गई गुफ्तगु, बहुत दकीक मंजिल पे चली गई गुफ्तगु। अहसन तकवीम पर खल्क किया है हमने, हद वसत पे खल्क किया है हमने। अगर तुम तो तुम्हारा बुलंदियों का सफर जारी रहेगा, और अगर तुमने ये ना किया
फिर जो तुम्हारे आमाल की जजा है, पादाश है, जो उसका नतीजा है, उसके नतीजे में तुम गिरावट की आखिरी मंजिल तक गिरते चले जाओगे और हम भी गिराते रहेंगे, हम उठाएंगे नहीं। मैं तर्जमा तो इस वक्त मुजारे के सेगे में कर रहा हूं, उठाएंगे नहीं, बचाएंगे नहीं। कुरान मजीद ने माजी इस्तेमाल किया है, लकद खलकना, हमने पैदा किया, सुम्मा रददना, फिर हमने पलटा दिया। ये माजी के सेगे क्यों आए? ताकि इंसान इस निजाम कायनात में कानून मकाफात को दर्क करे, दरियाफ्त करे, देखे, मुतालआ करे, तारीख का, बशरियत का मुतालआ करे, इंसानी तारीख का मुतालआ करे, इंसानी तहजीबों का मुतालआ करे। तहजीबें इंसानी उभरी और डूब गईं, बड़ी बड़ी हुकूमतें कायम हुईं और ख़त्म हो गईं, बड़ी बड़ी तहरीकें उठीं और तहलील हो गईं, बड़ी बड़ी शख्सियतें बनी और ज़ाया हो गईं। अगर ये उरूज और ज़वाले बशरी की तारीख पढ़ लो तो हमारा यही कानून उसमें मुजबर नजर आएगा। वही सरबलंद हुआ जिसने हमारी इताअत की, वही जवाल की मंजिलों तक पहुंचा जिसने हमारी नाफरमानी की। कानून मकाफात देख लो, जब इस दुनिया में ये कानून मकाफात जारी और सारी है तो फिर आखिरत का इनकार कैसे करते हो? जब इस दुनिया में किसी का अमल जाया नहीं होता, हर नेकूकार को उसका नेक बदला मिलता है, हर बदकार को उसकी जजा मिलती है, तो फिर कैसे तुम शक कर रहे हो हमारी अदालत में, हमारे इंसाफ में, हमारे निज़ाम कानून में, हमारे निज़ाम हुक्म में, हमारी इताअत में और रोज़े जज़ा में? फ़मा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, इतने ज़बरदस्त मुतालए के बाद भी देखो। अब इसमें इस एक सुम्मा में लकद खलकना, लकद खलकना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम माजी, सुम्मा रदद ना हो, फिर हमने पलटा दिया, इला असफल साफिलीन, असफल साफिलीन तक। ये सुम्मा रदद ना हो की तशरीह में पूरी तारीख इंसानी पढ़ लीजिए, जितनी तहजीबें रुए ज़मीन पर बनी और बिगड़ी, सारी तहजीबों का मुतालआ कर लीजिए। आदम के बाद औलाद आदम में किसको उरूज नसीब हुआ, किसे जवाल? जनाब नूह के बाद तक, जनाब नूह के बाद जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, इस दरमियान में जो दरमियान में कड़ियां हैं, कौम आद, कौम समूद, कितने नमरूद आए गए, कितने फिरौन आए गए, कितनी शख्सियतें बनी बिगड़ी, कितनी हुकूमतें कायम हुई और जायल हुई, कितनी तहजीबें उरूज तक पहुंची और जवाल आमादा हो गई। इन सब में एक कानून मकाफात जारी है। ये कानून मकाफात अमल जो यहां जारी है, किसका बनाया हुआ कानून है? जब कोई हुकूमत बन जाती है तो वो हुकूमत हर कीमत पर अपने को बचाना चाहती है, फिर कौन सी कुव्वत है जो उसे जवाल तक पहुंचा देती है? कौन सी कुव्वत है? कोई भी निजाम इस दुनिया में हर कीमत पर अपने को बाकी रखना चाहता है, और ये इंसान, इंसान जब जराइम करने पे आता है तो क्या कुछ नहीं करता। हैवान, दरिंदा हैवान, किसी दूसरे हैवान को जब शिकार करता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए या प्यास मिटाने के लिए बेसबब शिकार नहीं करता। कभी ऐसा नहीं होता कि शेर को गुस्सा आ जाए तो उसके सामने जंगल में जितने हैवान हो सब को चीर फाड़ के रख दे। ये इंसान को क्या हो जाता है? बेज़रूरत इंसानों का कत्ल करता है, बेज़रूरत इंसानों का कत्ल करता है। तवज्जो है?
और जब ज़रूरत हो जाए पैदा अपनी हुकूमत कायम करने के लिए तो हर हरीफ को निशाना बनाता है। अंदेशा भी जहाँ से पैदा हो जाए कि ये कल हमारी हुकूमत में खलल डालेंगे, इन्हीं को पहले एलिमिनेट कर दिया जाए। वो कल हमारे सामने खड़े होकर एतराज़ करेंगे, उनको पहले खामोश किया जाए। अगर माल लेके खामोश हो जाते हैं तो माल से, वरना जहर से। बस चंद जुमले काफ़ी। ये है तारीख़ बशरी। कल भी यही था, आज भी यही हो रहा है, और अगर दुनिया आगे चलती रही तो यही होता रहेगा। इसके बावजूद के जालिम जाबिर सितमगार हमेशा हर कीमत पर तमाम वसाइल को इस्तेमाल करके अपने को बाकी रखने की कोशिश करता है, फिर उसको सरनिगुं कौन करता है? कौन सरनिगुं कर देता है? वो जो सरनिगुं करता है हर एक को, वो कोई और है। वो वही है जो हर इंसान की फितरत जिसकी गवाही देती है और जिससे खुदा पूछता है, अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम नहीं है? क्या अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम नहीं है? अब तवज्जो रहे, आम फितरत बशरी, बशरियत में क्या है? खालिक का तसव्वुर बशरियत में मौजूद, रोज जजा का यकीन बशरियत में मौजूद, खमीर बशरियत में है, जमीर बशरियत में है, फितरत इंसानी में है। कुन है फितरत इंसानी? इबारत है कलमा इखलास से अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम। का इरशाद है, मौलाए कायनात ने फरमाया, किसी ने पूछा या अबुल हसन मल फितरा, या अमीरुल मोमिनीन मल फितरा, ए अमीरुल मोमिनीन फितरत क्या है? का कलिमतुल इखलास ही अल फितरा, कलिमा इखलास ही फितरत है, यानी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह फितरत है। फितरत इंसानी को अगर हर्फों में लिखा जाए, जाहिर किया जाए, तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह बनता है। ये राज किसने बताया? ये राज किसने बताया? अली ने, कि फितरत इंसानी को अगर लफ्ज़ों में, हर्फों में नुमाया किया जाए, जाहिर किया जाए, लफ्ज़ों का पैकर अता किया जाए, तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह बनता है। उसी अली का फर्जंद था हुसैन, जिसके लिए इकबाल ने गवाही दी। क्या गवाही दी? नक्श इल्लल्लाह बर सहरा निबिश्त, हुसैन थे जिन्होंने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अपने खून पाक से सहरा पे लिखा। बाप ने उस तरह बयान किया, बेटे ने इस तरह। इस डर से वाबस्ता नहीं होगा मुस्लिम तो तौहीद की हकीकत को पा नहीं सकता। जिन्होंने बुतों का धोवन पिया हो, आपने देखा ना हो, खुदा करे ना देखें, हमें तो ये मकरूह मंजर अपनी आँखों से देखने पड़ते हैं। दूध से बुत धोए जाते हैं, शरबत से बुत धोए जाते हैं, फिर वो बुत परस्तों को पिलाए जाते हैं। ये नई रस्म नहीं है, ये बहुत पुरानी रस्म है, मक्के में भी थी। तो जिन्होंने बुतों का धोवन पिया, बुतों का सदका खाया, बुतों के भजन गाए, 40-40 बरस शराबें पी, उनसे तौहीद नहीं मिलेगी। Oh!
तौहीद मिलेगी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से, तौहीद मिलेगी अली इब्न अबी तालिब से, तौहीद मिलेगी हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली से, और कोई नहीं है जो तौहीद की खैरात दे सके। शऊर तौहीद, जज्बे तौहीद, तौहीद मुसलमान की रगों में ऐसे होना चाहिए जैसे आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, इस तरह नूर तौहीद होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप करबला से वाबस्ता रहेंगे, ये तभी होगा जब आप मकतब मुहम्मद व आले मुहम्मद से वाबस्ता रहेंगे। सुने, आम बशरियत क्या है? बशरियत और सीरत मासूम। आम बशरियत क्या है? आम बशरियत में भी तौहीद है, आखिरत है, मगर आम बशर क्या करता है? तौहीद के बावजूद आम बशर भी अहसन तकवीम पे पैदा होता है। अहसन तकवीम पे पैदा होने के बावजूद, अक्ल रखने के बावजूद, अहद अलस्त रखने के बावजूद, कुन्ह फितरत में तौहीद और रोज़े जज़ा का यकीन रखने के बावजूद, ज़रा ज़रा सी बातों में कभी इनको सजदा, कभी उनको सजदा, कभी इनके आगे झुक रहे हैं, कभी उनके आगे क़याम कर रहे हैं, कभी इनके आगे हाथ बांध रहे हैं, कभी उनके आगे तस्लीम कर रहे हैं। यह है आम इंसान, कभी शऊरी तौर पर, कभी गैर शऊरी तौर पर, कभी गैर शऊरी तौर पर तौहीद का रिश्ता टूट जाता है और आखिरत पर भी यकीन मुतजलजल हो जाता है। जब यकीन मुतजलजल होता है तो क्या होता है? जब तक निजाम पर यकीन हो, जब तक हाकिम पर यकीन हो, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। जब तक यकीन होता है इंसान सब्र करता है, शके बाई के साथ, सब्र के साथ। यकीन है किसी का कत्ल हो गया, कोई आए मेरे भाई को कत्ल करके चला जाए, मैं क्या करूंगा? कातिल के पीछे दौड़ूंगा, उसे कत्ल कर दूंगा? नहीं, ऐसा करूंगा तो शरीयत इजाजत देती है या मुल्क का कानून? आप कहेंगे ना ये ना वो, वो हालात अलग हैं। जब इंसान मुकाबले में आए और किसी को कत्ल कर दे दिफा में, वो हालात अलग हैं। कोई किसी के बाप को कत्ल कर दे, बेटे को हक है कि कातिल को जाकर बराह रास्त पकड़ के कत्ल कर दे? अगर निज़ाम मौजूद है, अगर बेटे को, भाई को या किसी को निज़ाम पर यकीन है, निज़ाम पर यकीन है, निज़ाम चलाने वाले पर यकीन है, हाकिम आला पर यकीन है, तभी सब्र की कुव्वत पैदा होती है। सब्र पैदा कहाँ से होता है? कब सब्र करता है इंसान? जब यकीन हो निज़ाम पर, निज़ाम चलाने वालों पर, हाकिम पर। अगर निज़ाम पर यकीन नहीं है तो बेसब्री होती है, और इधर बेसब्री हुई, इधर इंतकाम का जज्बा पैदा हुआ और खुद हमला आवर हो जाता है। तवज्जो है? लेकिन जिस ये आम इंसान अक्सर ये गलती करता है, आम बशर अक्सर ये गलती करता है कि वो खुद इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ जाता है, एक के बदले तीन, एक के बदले चार, एक के बदले हजार। तारीख इस्लाम भी पढ़िएगा तो यही मिलेगा। इंतकाम के जज्बे में इंसान ये करता है, लेकिन सीरत मासूम, मासूम का रिश्ता तौहीद से कभी मुनक़ते नहीं होता। मासूम का यकीन रोज़ जज़ा पे कभी मुतजलजल नहीं होता। चूँकि नहीं होता, इसलिए मासूम की ज़िंदगी अजब अंदाज से गुज़रती है। मासूम बज़ाहिर आम इंसानों की तरह जीता है, मगर जब गौर करो तो मालूम होता है ये हमारे जैसे नहीं हैं, हम हरगिज़ इनके जैसे नहीं बन सकते, ये हमारे जैसे नहीं हैं, ये कुछ और हैं।
कैसे कैसे हालात में तौहीद का जिक्र करते हैं, कैसे कैसे हालात में हमद खुदा करते हैं, कैसे कैसे मसाइल में इंतकाम जहाँ ले सकते हैं नहीं लेते हैं, खुदा पे छोड़ देते हैं, इसलिए कि खुदा पे यकीन है। इनका यकीन ना होगा तो किसका यकीन होगा, इसलिए कि ये उसके नुमाइंदे हैं। तवज्जो है, और ये ऐसे वैसे नुमाइंदे नहीं हैं। कभी कभी दुनिया में भी नुमाइंदे का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो हमेशा फौरन मिसाल में लफ्ज़ आ जाता है सफ़ीर का। आपने देखा होगा कि बहुत से ममालिक जब कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो जो सफरा दूसरे मुल्कों में होते हैं वो पहले तो सफ़ीर होते हैं, उसके बाद वहीं वो अप्लाई कर देते हैं कि साहब हम अब अपने वतन नहीं जाना चाहते, सफारत से मुस्ताफ़ी, हमें यहीं पनाह गुज़ी बना लीजिए। सियासी पनाह गुज़ी, मालूम हुआ कि किसी मुल्क का सफ़ीर कनाडा में है, उसने कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा अब तक तो मैं सफ़ीर था, अब मैं आज से आपका पनाह गुज़ी। कोई अमेरिका में था आपका सफ़ीर और कल से वो पनाह गुज़ी। ये होता है कब, जब अपने मरकज पर भी यकीन ख़त्म हो जाए। नुमाइंदगी के बावजूद भी यकीन ख़त्म हो जाता है। बस जहाँ नुमाइंदगी के बावजूद यकीन ख़त्म हो जाए, समझिए ये दुनियावी मामला है। और जहाँ होता है मासूम, हमारे जैसे थे पैगंबर, हमारे जैसे थे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, नहीं वो मासूम थे। अब ज़रा सा फ़र्क आपने, जब इतनी तवील और बोझल बहस आपने बर्दाश्त कर ली, मैं ममनून हूँ आपका, आपके लिए भी इंशाअल्लाह अजर गैर ममनून है, इंशाअल्लाह अजर गैर ममनून है। दो निकात की तरफ तवज्जो मैं दिला सका सिर्फ, अवलन फितरत इंसानी में तौहीद मौजूद है, फितरत इंसानी में यकीन रोज़े जज़ा पे मौजूद है, हर इंसान की फितरत में है। मगर ये यकीन उभर के कहाँ आता है सामने, निखर के कहाँ आता है सामने, सब्र की शक्ल में, शकेबाई की शक्ल में, सीरत मासूम में। ये सीरत मासूम देखना हो तो सैयद सज्जाद को देखो। आप कहते हैं देर तक मजलिस पढ़ूं, जी चाहता है कि देर तक पढ़ूं, मौला सैयद सज्जाद के फजाइल पढ़ूं, तब भी तो आप काबू नहीं रख पाते। मौला की सीरत ऐसी, हम उनके फजाइल भी पढ़ें तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। इमाम की सीरत बड़ी ताबनाक है, मासूम सीरत है, मासूम सीरत। चूँकि इस अज़ा खाने की कल आखिरी मजलिस होगी, इसलिए कल जो बहस मैंने छेड़ी थी उसे कल ही तक महदूद कर दिया, वरना नज़रिया इस्मत और नज़रिया मसावात ये बहुत बहस तलब है। नज़रिया इस्मत वो है जो अल्लाह ने पेश किया है, और नज़रिया मसावात वो है जो अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले काफिरों ने पेश किया है। अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले काफिरों ने पेश किया है, ये सब बराबर है। सैयद सज्जाद की सीरत गज़ब की सीरत है, क़यामत की सीरत है। जब आप करबला में तशरीफ़ लाएँ तो आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 22 बरस है, लेकिन ये 22 बरस कैसे गुजरे हैं बड़े ताबनाक हैं। हमारे मुआशरे में 22 बरस की उम्र कोई उम्र नहीं होती, 22 बरस के नौजवान बच्चे कहलाते हैं, उन पर बचपना तारी रहता है। हमारा इमाम करबला आने से कबल मस्जिद नबवी में इमाम की अपनी मसनद दर्स हुआ करती थी, इमाम दर्स कहा करते थे। सैयद सज्जाद, इमाम हुसैन का दर्स अलग होता था, सैयद सज्जाद का दर्स अलग होता था। तौहीद का दर्स, नबूवत का दर्स, आखिरत का दर्स, मालिम दीन, मारिफ दीन, हकायक दीन, हकीकत, तरीक़त, शरीयत, अखलाक, आदाब दर्स होता था सैयद सज्जाद उस 22 बरस के उम्र में। ये एक बहुत बड़ा बाब है आपकी ज़िंदगी का, और ज़रूरी है कि जो लोग
किताब व कलम से रिश्ता रखते हैं वो किताबों को खंगालें और तलाश कर कर के इमाम के दुरूस, इमाम के सबक जो इमाम ने पढ़ाए हैं, इमाम के खुतबात, इमाम के मुकालमे वो जमा करें। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। 22 बरस के सिन में करबला में आ गए। सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा जो सीरत का है, सबसे नुमायाँ, वो इमाम का वही है जो करबला में और करबला के बाद गुजरा है। करबला जैसा वाकया हो गया और क्या सब्र किया है इमाम ने, ये सब्र बताता है कि रोज़े जज़ा पे कैसा यकीन है। किसी को खुदा व आखिरत पे यकीन ना हो तो मेरे मौला सज्जाद की ज़िंदगी पढ़ ले। देखिए हद अदब है, हिफ्ज़ मरातिब के ख़िलाफ़ है, मगर मैं आम जहनों, आम सतह जहनी पे उतर के ये जुमला कहने पर मजबूर हूँ कि अगर ये मासूम ना होते, अगर फ़र्जंद रसूल ना होते, अगर इमाम ना होते, हुज्जत खुदा ना होते, आम बशर होते, तो करबला जैसे वाक़े के बाद भी ज़बान पर कभी खुदा का नाम आता? दुनिया में लोग मामूली मुसीबतें आती हैं खुदा का इनकार कर देते हैं। कोई बाप, बहुत मशहूर तारीखी मिसाल है, डार्विन क्यों मुनकर खुदा हो गया, उसकी बायोग्राफी पढ़िए। डार्विन की एक बेटी थी, डार्विन की एक बेटी थी, वो बेटी बाप को बहुत चाहती थी, बाप भी बेटी को बहुत अजीज़ रखता था, ये बेटी बाप का ख्याल रखती थी, बाप की बीमारी में, सेहत में हर एतबार से ख्याल रखती थी। ये बेटी बीमार पड़ी तो इसने दुआ करना शुरू की, परवरदिगार मेरे महबूद ये बेटी जिंदा रहे, सलामत रहे। लेकिन वो बेटी मर गई। जब वो बेटी मर गई तो डार्विन ने खुदा का इनकार कर दिया, कहा कोई नहीं है खुदा, अगर खुदा होता तो मेरी बेटी को ज़िंदा ना रखता। ये है आम बशर, वो है सैयद सज्जाद जिसके हाथों में उसकी छोटी सी बहन कैद खाना शाम। कैद खाना शाम में 4 साल की बहन, भूखी बहन, प्यासी बहन, सितम रसीदा बहन गुजर गई, मगर सैयद सज्जाद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के सीरत मासूम। जिसे खुदा न मिले वो सज्जाद से खुदा का पता पूछे, जिसे यकीन न हो रोज़े आखिरत पर वो इस इमाम मासूम से रोज़े आखिरत पर यकीन करना सीखे। बस तड़प गए ना आप, तड़प गए, वक्त भी तमाम हो गया, वक्त तमाम हो गया, वक्त तमाम हो गया। आज बेख्तियार ये तस्करा आ गया ज़बान पर, मगर वाकई क्या क़यामत की शहादत थी उस तारीख क़ैद खाने में हुसैन की उस प्यासी बच्ची की। इस बच्ची को पहचानते हैं आप? इस घर के बड़े तो बड़े हैं, इस बच्ची का तस्करा सुन सकेंगे आप? ये बच्ची 3.5 साल की बच्ची या 4 साल की बच्ची, 3 साल, 3.5 साल या 4 साल की बच्ची, जब तक करबला में अब्बास जिंदा रहे बच्ची ने प्यास का तस्करा किया। अब्बास की शहादत के बाद इस बच्ची की जबान पर आतश का तस्करा नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह, क्या मारिफत है, क्या मारिफत है इस बच्ची की, क्या सूझबूझ है। कोई रिवायत ला के मुझे नहीं दिखा सकता कि जनाब अब्बास की शहादत के बाद बच्ची ने कहा मैं प्यासी हूं। बच्चे प्यासे हैं। जब बाबा जाने लगे, जब सरकार सैयदुश्शुहदा रुख्सत आखिर के बाद मैदान की तरफ जाने लगे तो ये बच्ची आई घोड़े की टापों में, बाहें डाल के ज़मीने गर्बे करबला पर लेट गई। हुसैन सवार हुए, हुसैन ने घोड़े से कहा चलो ये आखिरी खिदमत है,
घोड़े की आंखों से आंसू टपक पड़े, घोड़े ने आका की तरफ देखा और नीचे इशारा किया। हुसैन ने नीचे देखा, फौरन उतर आए, बेटी को उठाया, कलेजे से लगाया। बेटी ने पानी नहीं मांगा, कहा बाबा आप भी मरने के लिए जा रहे। बाबा आप भी मरने के लिए तैयार हो गए। इस बच्ची को मालूम है बाबा मरने के लिए जा रहे हैं। इस बच्ची का शऊर, बाबा गए, बाबा शहीद हो गए, बाबा का सवारी का घोड़ा वापस आया, दरे खैमा पे आया, सारी बीबियां निकल आईं, बच्ची दरे खैमा पे खड़ी हुई है, बच्ची दरे खैमा पे खड़ी है। बीबियों ने मातम किया, उसके बाद जनाबे ज़ैनब ने कहा बच्ची का रोना बहुत जरूरी है, रबाब बच्ची को बुलाओ, बच्ची को बुलाओ। सबने बच्ची को बुलाया, बच्ची है ना 3.5 बरस या 4 बरस की बच्ची, नन्हे नन्हे कदमों से लेकिन इंतहाई वक़ार के साथ, इंतहाई वक़ार के साथ, इंतहाई तमकनत के साथ, चेहरा तम तमाया हुआ है, आगे बढ़ी, घोड़े ने गर्दन झुका दी। बच्ची ने, ये बच्ची जो घोड़ों की टापों को थामे हुए थी, अब इसने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली, घोड़े के कान में पूछा, हल सुखियाबी अम कोतेलात शाना, मेरा बाबा उसे पानी पिलाया गया या प्यासा कत्ल कर दिया। अजरकुम अल्लाह, ये बच्ची करबला से कूफे, कूफे से शाम तक पीठ पर दुर्रे खाती रही, नैसे चुभाए जाते रहे, तमाचे मारे जाते रहे, और कैद खाने शाम में सज्जाद के आगोश में इस बच्ची का जनाजा है। अरबाब मकातिल कहते हैं जब सैयद सज्जाद ने बच्ची को गुस्ल देना चाहा, जो पैरहन था वो जिस्म से जुदा नहीं हो रहा था। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मआरिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमारे सीनों में हमेशा चराग तौहीद रोशन रहे। माबूद हमें हमेशा शमए ख़त्म नबूवत की रोशनी नसीब रहे। हमें नूर विलायत अली के की रोशनी में, नूर विलायत अली में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार माबूद ये बाकियान गम हुसैन, ये आज़ादारान हुसैन, इनको अपनी ख़ास हिफ्ज़ो अमान में रख। परवरदिगार रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी सिलसिले अज़ा कायम है, वहाँ अपनी बरकतें नाजिल फरमा, रहमतें नाजिल फरमा। तमाम मुसलमानों को तहजीब आले मोहम्मद के सांचे में ढाल दे। माबूद अपनी रहमत को आम कर दे। हज़रत वली असर को इज़्न ज़हूर आता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत व राफत व अदालत का परचम लहरा दें।